जहांगीराबाद नंबर 10 नंबर पे इस वक्त व्यक्ति के बिलों के नाजायज बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी है। जहांगीराबाद की गयूर आवाम इस वक्त रोड पे आ चुकी है। हुकूमती इदारे सरकारी इदारे भी मौजूद है और उनसे ये पाबंद किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन एहतजाज और बगैर किसी तोड़ फोड़ के यहाँ पे एहतजाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एसएचओ साहब रियाज साहब भी खड़े हुए हैं, उनको बता दिया गया कि ये रोड के साइड में एहतजाज हो रहा है, लेकिन आज ये एहतजाज पुरअमन है। कल को ये एहतजाज हो सकता है ये इनका वलवला बन जाए, तो लिहाजा सराने बाला के इलेक्ट्री को मुतनबा किया जाता है कि अपनी ये गुंडागर्दी बंद करें, नहीं तो अदरवाइज ये आवाम फिर रोडों पे आएगी, फिर वो इस अंदाज से नहीं आएगी। के इलेक्ट्री का कोई दफ्तर फिर भी सलामत नहीं रहेगा, कोई अफसर बचेगा नहीं वहां से निकलने से। ये इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी हमें जीने दो, जीने दो, हमें जीने दो। भाई किसी केसी के हमले वालों को नहीं मारो, कोई गाड़ी नहीं जलाओ, कुछ नहीं करो। इनके जितने बड़े अफसरान हैं इनके घरों पे जाओ, आग लगाओ, इनके बीवी बच्चों को मार दो। इनके बीवी बच्चों को जला दो, मार दो, जैसे हमारे घर में बीवी बच्चे मर रहे हैं, हमारे माँ बाप मर रहे हैं, इनके माँ बाप इनके बीवी बच्चों को मार दो, जला दो, ये सारे खुद ही खुद सीधे हो जाएंगे। पूरी रात में आज सबको जला दो। आपका कहने का मकसद ये है कि लेबर को तंग ना किया जाए, इनके बड़े अफसरानों को तंग किया जाए। लेबर को तंग नहीं करो, जो बड़े वो भी हमारे जैसे मजदूर हैं, ठीक है। ये जो बड़े बड़े अहदेदारों पे बैठे हुए हैं इनको घरों से बाहर निकाल के मारा जाए, ऐसा ही हो। लेकिन ये सब कब होगा जब हम सब एक होंगे।